1971 में जो हमारे देश के जवान शहीद हुए थे उनकी याद के अंदर जो आज विजय दिवस फाजिलका शहर के अंदर मनाया जा रहा है, तो उस समय जो जवान हमारे देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए उनको सबसे पहले नमन करना चाहता हूँ और उन्हीं जवानों की याद में आज पूरे फाजिलका शहर के अंदर जो है विजय दिवस मनाया जा रहा है और सभी को इस दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ।1971 के भारत पाक युद्ध के शहीदों की याद में फाजिलका में विजय दिवस मनाया गया। विजय दिवस पर एक रैली निकाली गई जो डीसी दफ्तर से शुरू होकर घंटा घर पर पहुंची। सारे शहर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना जेडे कि हर साल इकट्ठे होकर साडे नाल शहीदों की याद मनाते हैं। अज इस मुक्ति मार्च के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे ने। अज डीसी साहब, SSP साहब, ब्रिगेडियर साहब ते होर फौज के अधिकारी सारे नाल चलणगे ते उन्दे नाल सानू सारे शहर दे विच उन्होंने लोग सम्मान कर रहे। अपना डीसी ऑफिस तो लग के घंटा घर ते खत्म हो गया। रैली में इस युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों के परिवारों के सदस्यों को सम्मानित किया गया। सेना, BSF, पुलिस, सिविल प्रशासन के अफसरों के अलावा इलाके के लोगों ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और 1971 के जंग में जो जवान शहीद हुए थे उनको मेरा नमन। और मैं फाजिलका में आज आर्मी की तरफ से और हमारे सिविल की तरफ से माननीय DC साहब, SSP साहब की तरफ से आज यहाँ जो है उनका दिवस मनाया जाएगा और इस दिवस में जो है यहाँ से चल करके और घंटाघर तक एक रैली निकलेगी जिसमें पूरे शहर के अंदर इनका मान सत्कार होगा। और आइए रैली की कुछ और झलकियाँ देखते हैं। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर मनप्रीत सिंह की बात भी सुनेंगे। इस दिन के उत्ते शहीद जिहड़े पाकिस्तान ते हिंदुस्तान की लड़ाई के साल 1971 के शहीद हुए सी उन्होंने परिवार के जिया जिहड़े अज इत्थे आए ने उन्होंने मैं बहुत ही मन की श्रद्धा के अंदरों फाजिलका पूरे शहर के जिले जिले निवासियों की तरफों उन्होंने मैं इतने आने हार्दिक नमस्कार कर। शहीद एक लफ्ज ये नहीं है कि कोई आर्मी BSF, CRPF, CISF किसी भी पंजाब का वासी हो, भारत का वासी हो, शहीद एक अजिहा लफ्ज है जिहड़ा लोगों की कुरबानी वास्ते, लोगों के चैन वास्ते, लोगों की सुख शांति वास्ते अपनी जान बार्डर के उत्ते विरोधियों के नाल लड़ता हुआ दिंदा है। उस वक्त उहदे जिहड़े सेंटीमेंट्स हुंदे ने उस मोमेंट के उत्ते उन्होंने जे आपां एक बार अपने घर बैठे याद भी करिए कि वो उस वेले उन्होंने परिवार बारे की सोचा होगा, उन्हें अपनी पत्नी बारे की सोचा हो, अपनी माँ बारे की सोचा हो, वो सारिया सोचा परे छड़दे हुए देश के हितों वास्ते उन्हें कुरबानी की। मैं उस कुरबानी का सारे पंजाब वासियों को याद करवाना चाहना फाजिलका निवासियों कि उन्होंने कुरबानी सदका ही आप आजादी का जिहड़ा निघ माण रहे हैं। आप अपने परिवारों नाल घर बैठे हाँ तो सुख शांति के नाल जिंदगी बतीत कर रहे हैं। आसफ अना ट्रस्ट
मैं समझदा कि एक अजिही संस्था है जिहड़ी इकल्ले उन्हां शहीदां नूं याद नहीं करती बल्कि सोसाइटी दे विच अजिही संवेदनशीलता पैदा करती है कि जिहड़ी कि हुण असीं जद्दी दे प्रोसैशन दे विच आए हाँ। फाजिलका निवासी किस तरीके दे नाल हुम हुमा के सारे इस प्रशासन का इस प्रोसैशन का स्वागत कर रहे थी, ये भी एक अपने आप दे विच मिसाल है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।